कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सदन में झूठ बोलने को लेकर जीतू पटवारी के खिलाफ विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति में सरकार शिकायत दर्ज कराएगी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यालय में भोजन पेमेंट सरकार ने सरकारी पैसे से किया है। ये एक प्रकार से सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार भी है। इसको लेकर विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति में सरकार शिकायत दर्ज कराएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधानसभा जैसे पवित्र स्थान में झूठ बोला जाता है। सरपंच और उपसरपंच दोनों गायब थे और गांव लूटने का काम कोई तीसरा कर रहा था। अविश्वास प्रस्ताव के बाद कांग्रेस में झूठ बोलने की होड़ लगी थी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कल सदन में कही, सरकारी पैसे से बीजेपी कार्यालय में भोजन कराया गया, ये बात पूरी तरह से निराधार है और इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। एक बात बार बार कल जीतू पटवारी जी ने सदन में कही, जो उन्होंने आखिरी बयान दिया था वो मैं उसकी चार लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये सदन की प्रॉपर्टी आप लोग भी ले सकते हैं सदन से। जीतू पटवारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।